राजपुर में नागपंचमी मेले के दौरान गृह मंत्री बाला बच्चन की वजह से जाम की खबर और सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी का मामला सामने आया था, जो अब राजनीतिक स्वरूप लेने लगा है। रविवार को विधायक प्रतिनिधि सचिन जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेले के दौरान गृह मंत्री बाला बच्चन की वजह से जो जाम लगाया था उस पर अपनी सफाई दी है। नांगलवाड़ी मेले के दौरान माननीय मंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगा है और की जाम लगा था, उसके बाद में जो निर्दोष व्यक्ति पर FIR दर्ज हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं भी चूंकि भिलड़देव मंदिर में दर्शन करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी के साथ था और माननीय मंत्री जी चाहते तो सुबह ही दर्शन के लिए चले जाते, लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरी भी चर्चा हुई, मैं उनके साथ चूंकि दिन भर था और साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी था, उन्होंने कहा यार अपने जाने से ये क्राउड रहता है, पब्लिक रहती है सुबह के टाइम पर और दिन में, तो उन्होंने वो समय चुना जब वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, सब यात्री दर्शन करके ऊपर से नीचे लौट चुके थे। हम रात्रि 8 बजे के बाद दर्शन करने के लिए नाग मंदिर गए, वहाँ के जो पंडित थे, पुजारी जी थे, उनसे हमने विधिवत बात की। बात करने के बाद हम मंदिर गए और वहाँ हम जब गए तो बहुत मुश्किल से 50 से 100 लोग मंदिर के अंदर थे, कोई भीड़ नहीं थी, कहीं से कहीं तक कोई अव्यवस्था नहीं और कोई जाम नहीं लगा। चूंकि जाम लगा था दोपहर 11:30 से लगाकर 2 बजे के बीच में, मंदिर प्रशासन अपनी खामियों को छुपाने के लिए क्योंकि वो व्यवस्था नहीं कर पाया, श्रद्धालुओं को दिन में दिक्कत महसूस हुई दर्शन करने में, क्योंकि हम रात में इसीलिए गए थे कि आम जन को तकलीफ नहीं हो। और दूसरी ही बात कि आप, मेरे पास भी वीडियो क्लिपिंग है, व्हाट्सएप क्लिपिंग है, व्हाट्सएप पर कितनी गंदी और भद्दी बातें लिखी गई है, ये शोभा नहीं देता, पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। एक शख्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि गोली मार देना चाहिए, एक शख्स ने लिखा है गाड़ी में गिर जाना चाहिए, गाली गलौज, ये भाजपा की संकीर्ण और गलत मानसिकता का परिचय है और हर चीज में ये राजनीति करते हैं। भगवान परमपिता परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते और माननीय मंत्री जी का कहीं से कहीं तक जो घटनाक्रम हुआ, FIR लॉन्च हुई, वो उनकी गलती थी। कानून को अपने हाथ में लेकर के अगर वो कानून को व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। सर, आज ग्रामीण लोग SP साहब को ज्ञापन देने जा रहे, क्या मामला है? हमारे पास 8 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी, सुरेश कल्पे जी ने रिपोर्ट की थी कि 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट की थी, जितेंद्र यादव, बाबू बसंत और गुरू, इन तीनों ने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी को लेकर के सुरेश कल्पे ने FIR कराई, रिपोर्ट लिखाई थी, इसमें FIR कायम 2 का टाइम किया गया है और दो आरोपियों को नितिन यादव और बाबू बसंत को गिरफ्तार करके और उनका 151 किया गया है। सरपंच को आपके द्वारा उठाया गया था, उसमें क्या मामला था? ये बात मेरे द्वारा कोई सरपंच को नहीं उठाया गया, ये गलत है।